इसके लिए विपुल ने बहुत काम किया है। हमारे बीच जज्बा फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ हिमांशु जी पीछे से वेव कर दीजिए। हिमांशु एक मास्टर इन सोशल वर्क फ्रॉम कोलकाता यूनिवर्सिटी, और जज्बा फाउंडेशन के जो मेंबर्स हैं वो हरियाणा के लगभग 9 डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं और वहाँ से भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। द यूथ फोर्स यानी जो युवा है वो जज्बा फाउंडेशन से जो जुड़े हुए हैं ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है एनजीओज भी ना दो प्रकार की होती हैं, एक थोड़ी अच्छी वाली जो फंडिंग का काम देखती हैं और एक थोड़ी जो ज़मीनी स्तर पे जुड़ के काम करती हैं। जज्बा फाउंडेशन इज़ वन ऑफ देम और किसी भी काम से पीछे नहीं हटते। सो आई वुड नाउ रिक्वेस्ट दैट वी हैव दैट शॉर्ट वीडियो जो आपको ये जानकारी देगी कि किस तरह से ESAR ने अपने इस काम को शुरू किया। कोविड और कोरोना के दौरान 2 साल इस तरह से बीते और इन्हें भी ऐसा महसूस हुआ, रमेश जी को भी, कि टीम को घर से बाहर निकाल के किसी काम में लगाया जाए ताकि वो प्रेरित हों और फिर दूसरों को प्रेरणा दें। एंड वैसे भी इनकी ऑर्गेनाइजेशन, इनकी संस्था जो है, हैज़ कॉन्स्टेंटली वर्कड फॉर अवेयरनेस टूवर्ड्स एजुकेशन, लिटरेसी, फैमिली वेलफेयर, एजड और द सीनियर सिटीजन्स, वुमेन डिवेलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ द ट्रांसजेंडर एंड देयर ह्यूमन राइट्स। नॉट जस्ट दिस, ऑल्सो फॉर एसिड अटैक सर्वाइवर्स। और मैं आप सभी को ये बता दूँ कि इन 16 स्पेशली एबल्ड राइडर्स में से 3 महिलाएँ थी, इफ आई एम करेक्ट, 4। सो सी 4 वुमेन। सो लेट्स हैव दैट शॉर्ट वीडियो ऑन इक्वली स्पेशली एबल्ड राइडर्स। इसके बाद मैं रमेश जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें थोड़ा सा संस्था के बारे में बताएंगे। वैसे इस राइड से जुड़े हुए कुछ लोगों का मैं नाम लेना चाहूंगी। अर्चना झा, अगर वो यहाँ पर है तो जहाँ बैठी है वहीं से अपना हाथ हिला दें। अर्चना झा वॉज दी राइड इंचार्ज। एंड डू वी हैव आमिर सिद्दीकी ओवर हियर? आमिर जी राइड कोऑर्डिनेटर थे। तो ये 3 लोग थे जिन्होंने इस राइड को स्टार्ट किया और जब इसका इसकी शुरुआत हुई इनके पास उस तरह का सपोर्ट भी नहीं था, ना मीडिया अटेंशन थी, लेकिन जब ये 16 राइडर्स सड़क पर निकले और लोगों ने देखा कि कुछ हो रहा है तो इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए और अपना सपोर्ट भी दिया, इन्हें मोटिवेट भी किया। और ये कोई मजाक नहीं है, 2500 किलोमीटर की राइड, यहाँ से कारगिल तक पहुँचना और वहाँ झंडा फहरा के वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अवेयरनेस क्रिएट करके ये राइड 21st को जो है वो इंडिया गेट पे कल्मिनेट हुई। सो हैट्स ऑफ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब हम ईगल स्पेशली एबल राइडर्स को चैन से बैठने नहीं देंगे, क्योंकि शॉर्ट वीडियो हम सब ने कर लिया। जब लॉकडाउन पीरियड स्टार्ट हुआ तो ये चैनल सोशल मीडिया के थ्रू पता चला था कि लोग इतना ज्यादा परेशान हैं कि लोगों के पास एक टाइम खाने के लिए भी नहीं है। लोगों को जोड़ने के लिए हमने सबसे पहले सोशल मीडिया का यूज किया। तो हम लोगों ने जो एक पोस्ट बना के ऐसे शेयर किया उसमें हमने अपने कॉन्टेक्ट नंबर डाले। जिसके पास में जैसे भी पॉसिबल होता था व्हाट्सएप नंबर के थ्रू उनकी रिक्वेस्ट आती थी कि उनको क्या करना है या उनको उनको किस चीज़ की जरूरत है, कोई दवाई की जरूरत है या खाने में सूखे सामान की जरूरत है या बने बनाए खाने की जरूरत है, उस हिसाब से हम वो चीज़ें उनको प्रोवाइड कराते थे। हाँ, कैसे तो डिसेबल्ड होता है ना, अंदर से तो हम है कि हाँ मुझे ये करना है। मुझे किसी की हेल्प करने में ऐसा लगा जैसे एक मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, खुदा के सामने सजदा कर रहे हैं, लेकिन मुझे उससे ज्यादा पेटा लगा कि मैं एक इंसान की जो कि डिसेबल्ड है या नॉर्मल है उनकी मैं हेल्प करूं। सोसाइटी के लिए जो हम लोगों ने किया उससे जो सेटिस्फेक्शन मिला वो बेस्ट था लाइफ में।
नमस्कार, मेरे साथ हैं नेहा सिंह जो तहसीलदार की पोस्ट पर कार्यरत हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में इन द रेवेन्यूज डिपार्टमेंट। नेहा जी आज हमारे साथ SRS इंटरनेशनल स्कूल में हैं जहां पे फेलिसिटेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया था टू फेलिसिटेट 16 स्पेशली एबल्ड राइडर्स जिन्होंने 2500 किलोमीटर की राइड को अंजाम दिया, इंडिया गेट से शुरू की और कारगिल वॉर मेमोरियल होके वापस आए हैं। नेहा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड इस इवेंट का हिस्सा बन के आपको कैसा लगा वो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमसे। थैंक यू सो मच मैम फॉर इन्वाइटिंग मी ओवर दिस वेरी मोटिवेटिंग इवेंट यू हैव ऑर्गेनाइज्ड एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द SRS इंटरनेशनल स्कूल एंड यू एज वेल फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच मोटिवेटिंग इवेंट्स। मुझे बहुत ज़्यादा एक प्रिविलेज्ड फीलिंग आ रही है यहाँ पर आ करके, क्योंकि हम अपने घर में बैठ के एंड अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ में जॉब्स में बिजी होके कई बार वी डोंट रियलाइज वॉट पीपल आर गोइंग थ्रू। वी रियली नीड टू एम्पथाइज with them. Sympathy is a term which will carry a negative connotation, right? Yes. In a way कि हम उनके साथ एक सहानुभूति प्रकट करते हैं। जब हम सहानुभूति प्रकट करते हैं then we don't realize what pains they are going through. For a while we'll go and say, oh हो बेचारा बहुत परेशान है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। But when we empathize means to keep yourself in the shoes of the person who is undergoing the situation, who is suffering through that. तो मुझे आज यहाँ के बहुत ही एक अच्छा भाव का महसूस हो रही, अच्छी भावना का महसूस हो रही है कि हम कई बार अपने आप को सब कुछ हमारे पास है, फिजिकली हम एबल हैं, हम मेंटली एबल हैं, बट समटाइम्स वी गेट इनटू द शैकल्स, मेंटल शैकल्स, कि हमें लगता है कि शायद मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मैं इस चीज़ से मजबूर हूँ, मैं अपने बिजी शेड्यूल से मजबूर हूँ, मैं अपने घर के कार्यों से मजबूर हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बट मुझे आज इन लोगों से मिलके लगा, ईगल राइडर्स से, कि अगर आप अपने मन में एक चीज़ ठान लें, यू आर मेंटली, वैन यू आर मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड वैन मेंटली यू टेल योर सेल्फ कि आप ये चीज़ कर सकते हो, तो मुझे लगता है एक वो चींटी पहाड़ चढ़ गई थी, वो बड़ा ही एक एप्ट एग्जाम्पल है कि अगर आप ठान लें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सारी क्रिपल्ड फीलिंग जो होती है वो दिमाग में होती है। बहुत सही। हाँ, अपने दिमाग को अगर क्रिपल कर देते हैं देन वी कैनॉट रीच एनीवेयर, और चाहे हमारे पास फिजिकली जितनी भी एक्टिव हों, हम लोग एबिलिटीज़ हों, सब हो, पर अगर दिमाग क्रिपल्ड है तो शरीर क्रिपल्ड है एंड ग्रोथ तो है ही नहीं, वी विल बी स्टेगनेंट। बट इफ़ यू आर एक्टिव एंड इफ़ यू टेल योर माइंड दैट यू कैन डू इट, एज आई अर्लियर ऑल्सो सेड कि माइंड इज़ द पावर हाउस ऑफ वॉट यू डू एंड हाउ यू रेगुलेट योर लाइफ, देन डेफिनेटली यू कैन रीच टू द पिनाकल ऑफ द सक्सेस, पिनाकल ऑफ ग्रोथ, एंड यू कैन मोटिवेट others. जैसे ईगल राइडर्स ने आज मुझे मोटिवेट किया, आई एम रियली मोटिवेटेड एंड आई विल ऑल्सो स्टार्ट डूइंग some physical activities which I really cannot do because of busy schedules, but today I realized ki I'll tell myself you can do and you have to spare time and I will then. Thank you ma'am. Thank you for sharing your thoughts. Thank you very much. नमस्कार, मैं प्रताप चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज NCR। अभी हम हैं SRS इंटरनेशनल स्कूल ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 88 में। यहाँ पर एक बड़ा ही आज अलग और भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया। मैं आपको बता दूँ, 16 पैरा स्पेशली राइडर्स जो कि ईगल राइडर्स के हैं, उन्होंने 2500 किलोमीटर की दूरी स्कूटी से, यानी कि दिल्ली इंडिया गेट से लेके और कारगिल वॉर मेमोरियल तक का सफ़र तय किया, जिसको लेकर CM साहब ने भी 21 तारीख को इनको सम्मानित किया। और आज इनके लिए SRS इंटरनेशनल स्कूल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। तो हमारे पीछे, और आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगा कैमरामैन को थोड़ा सा सभी को दिखाएं, अभी यहाँ पर भोजन का समय चल रहा है, तो इन सभी राइडर्स को, स्पेशल राइडर्स हैं आप, इन सभी को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो मेरे साथ ईगल राइडर्स के टीम मैनेजर रमेश चंद जी हैं जो कि फरीदाबाद से ही हैं, और एक अच्छी चीज़ ये भी है कि इस पूरी 16 लोगों की टीम में 5 राइडर्स अपने फरीदाबाद से हैं। तो उसके टीम मैनेजर रमेश चंद जी हमारे साथ हैं जो कि आप भी फरीदाबाद से ही संबंध रखते हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। रमेश जी, बहुत बड़ी अचीवमेंट आपने ये हासिल की है, और इससे पहले भी आपकी राइड्स होती रही हैं एज ए टीम मैनेजर, और आप खुद भी स्पेशली एबल्ड हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है आज? सर, बहुत खुशी होती है जी। ये मिशन यूनिक है जी, और अलग है। अलग है बिल्कुल, क्योंकि जो राइडर्स होते हैं, अब से पहले हमने देखा है कि वो
800-800 सीसी की बाइक्स पे राइड करते हैं, बहुत हैवी इंजन होते हैं उनके, बुलेट्स पे करते हैं, लेकिन हमारे पास में जो हमारा स्पेशल टाइप का स्कूटर होता है जिसमें अटैचमेंट साइड व्हील अटैचमेंट लगा होता है जिसको बोलते हैं रेट्रोफिटमेंट, हाँ, तो उसमें 125 सीसी का इंजन मैक्सिमम है। तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग यही था, लोगों ने भी कहा था, बहुत सारे राइडर्स ने भी कहा था कि कारगिल बहुत मुश्किल हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश की चढ़ाई पे ये नहीं चढ़ेगा, फिर आपको दिक्कत भी आएंगी क्योंकि हम 6 घंटे बैठ के नहीं रह सकते स्कूटर्स पे, उसको ज़्यादा लॉन्ग चला भी नहीं सकते, 70-80 किलोमीटर एक बार में चलता है वो। तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए यही था कि 10-12 स्कूटर्स थे हमारे पास में और कि वो कैसे चढ़ेंगे, पर वो हो गया सर, और बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए भी। मैं अपनी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ इसके लिए, हमारे टीम के मैनेजर कोऑर्डिनेटर हैं आमिर सिद्दीकी जी, हम 2-3 लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था मुंबई राइड से, लेकिन नए लड़के भी थे फरीदाबाद से, जोश बहुत था उनमें, बहुत अच्छा किया उन लोगों ने भी, और अच्छे से अचीव किया है हमने ये टारगेट। अब देखते हैं आगे। तो ईगल राइडर्स को, जो ये राइडर्स का आपने सफ़र तय किया है दिल्ली टू कारगिल का, तो बहुत सी जगह आपको रुकना भी पड़ा होगा क्योंकि एक लॉन्ग रन था, तो सपोर्ट किसकी तरफ से मिला आपको? सर ऐसा है कि हम एक दिन में अपना टारगेट फिक्स करके चलते हैं, जैसे अगर ज़्यादा ऊंचाई और पहाड़ी वाला क्षेत्र है तो उसमें हमें 100 किलोमीटर पर डे चलना है या 150 चलना है, अगर धरातल वाली है ज़मीन के स्तर पे चलना है तो हम 300-350 पर डे भी चल सकते हैं। तो वहाँ पे अलग अलग टाइप के एनजीओस जो काम कर रहे थे उन्होंने हमसे कोऑर्डिनेट किया, हमारी फेसबुक पे देखा, प्रोफाइल देखा, क्योंकि बहुत करीब 5 साल से हम काम कर रहे हैं राइडिंग के लिए, तो बहुत सारे पूरे ऑल इंडिया के एनजीओस जो हैं वो हमको जानते हैं, और राइडर फैमिली है जो बाइक राइडर्स हैं उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है हमको, वो हमको जगह जगह कोऑर्डिनेट भी करते हैं और असिस्टेंस भी देते हैं। देखिए कहीं ना कहीं होता है कि जो हमारे दिव्यांगजन भाई हैं उनमें नॉलेज यानी कि ज्ञान की कमी होती है क्योंकि उनको अपने अधिकारों के बारे में कई बार पता नहीं होता है। बहुत आप जैसे जागरूक लोग हैं जो इस तरह के अचीवमेंट्स को हासिल कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे विकलांग लोग हैं, बहुत से ऐसे दिव्यांगजन हैं जिनको अपने अधिकारों की नॉलेज ही नहीं है, तो उन सबको जागरूक करने के लिए या उन सबको एक छत के नीचे लाने के लिए आपका किस तरह का प्रयास है? सर सोशल मीडिया के सामने, सोशल मीडिया में हम अपने ग्रुप को एज ए ग्रुप ही प्रेजेंट करते हैं, मैं रमेश हूँ, आमिर सिद्दीकी हैं, हम अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते, हम ईगल ग्रुप को प्रेजेंट करते हैं, हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें और अवेयर हों, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है। अगर कोई स्कूटर खरीदने भी जाता है उसमें पूरा GST देता है, वो रजिस्ट्रेशन चार्ज पूरे देता है उसमें, लेकिन हमें जानकारी है ना, तो हम रजिस्ट्रेशन चार्ज भी कम लगते हैं डिसेबल पर्सन के लिए, और जो GST होता है वो भी कम होता है। तो लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ नॉलेज, ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो हैंडीकैप लोगों में होता है, उनको जानकारी नहीं होती, और हम यही अवेयरनेस अपने ईगल ग्रुप के माध्यम से फैलाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा रमेश जी ने, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हमें अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होता है, तो कहीं ना कहीं गलतियां भी होती हैं, और आपके जो अधिकार हैं जो आपका आपको मिलना चाहिए वो उससे आप वंचित रह जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा सभी राइडर्स को, ईगल राइडर्स को शुभकामनाएं देता हूँ सबसे पहले, और सबसे यही कहूँगा कि आम लोग हम हैं, आप तो खास हैं, और आप सच में ही स्पेशल हैं क्योंकि आप सबसे अलग दिखते हैं, सबसे अलग काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको उन्हें समझना पड़ेगा और अपने लिए अपने अधिकारों के प्रति आपको जागरूक होना पड़ेगा। इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज NCR। धन्यवाद।
माध्यम से जागरूक कर रहे हैं। फरीदाबाद में भी जनता फाउंडेशन का बहुत ज़्यादा योगदान है। शहर के 40 वार्ड में इनकी टीम जगह जगह जाकर टोकन आपको प्रशासन की तरफ से एक वो दे सकती हूँ, आश्वासन दे सकती हूँ।